मुंबई के आर्य पुलिस स्टेशन पर बैठी राखी सावंत गैंगरेप की शिकार एक महिला को न्याय दिलाने पहुंची हैं। कुछ दिन पहले महिला के साथ उसके घर में ही 5 लोगों ने गैंगरेप किया था। राखी सावंत का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। राखी सावंत की माने तो गैंगरेप पीड़ित ने कुछ और बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने FIR में कुछ और लिखकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की। मैंने जब मोरे साहब भी साथ में थे, जब मैंने उनको पूछा कि आपने यहाँ पे आके स्टेटमेंट जो लड़की ने बोला तो आपने क्यों नहीं डाला, वो लड़की ने बोली मैंने इनको बताया था लेकिन इन्होंने नहीं लिखा स्टेटमेंट। वो हंस रहे थे, वो माफी मांग रहे थे। राखी सावंत और उनके साथ आई भीड़ को देख पुलिस के भी होश उड़ गए। आनंद फानंद में पुलिस भी अपनी कार्रवाई में तेजी लाते हुए पीड़ित का दोबारा बयान लेने अस्पताल जा पहुंची। पीड़ित के पति की माने तो 5 लोगों ने पहले उन्हें बंधक बनाया और फिर न सिर्फ उनकी पत्नी से गैंगरेप किया बल्कि उनकी हाथ की उंगली भी काट दी। तो उन लोग ने मेरी बीवी के साथ ऐसा किए और उसका वीडियो बनाए और उसको ये बोले कि तू बोल तेरी मर्जी से, कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, पैसा कमाने के लिए कर रही हूँ। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में घिर गई है। सवाल ये है कि आखिर उसने गलत FIR दर्ज क्यों की? क्या वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल राखी सावंत के मुताबिक वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक उसका साथ देंगी। संतोष पांडे, न्यूज़ एक्सप्रेस, मुंबई।